शांति शांति। मनुष्य के शरीर व मानसिक विकार समझाते हुए हुजूर ने आगे फरमाया, जब हमारा स्वास्थ्य रहन सहन आहार विहार की बेतुकी चालों से बिगड़ जाता है तो फिर दुख और परेशानियां की हद नहीं रहती और हकीम वैद्य डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो नाड़ी को देखभाल कर यह पता लगा सके कि कौन कौन से गुणों का क्रम बिगड़ने से कौन कौन रोग शरीर या मन में पैदा हो गए हैं और फिर उसके इलाज का प्रयत्न भी कर सके, दवा भी दे, कृपा और प्रेम की दृष्टि से व्यवहार भी करे। जब सत रज तम नफस मुतमयना नफस लवाम नफस अमार की कायदे की चाल और व्यवहार में गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो सत का सतोपयोगी भाग अति सूक्ष्म निहायत लतीफ होने के कारण इस तरह दब जाता है और कमज़ोर सा हो जाता है, जिस तरह चिराग की ज्योत से धुएं का वेग बढ़ जाने से रोशनी बदल जाती है और फिर तेल बत्ती की दुरुस्तगी और सफाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ख्याल रहे कि इन तीनों गुणों का खेल वह कार्य मन ही के द्वारा हुआ करता है, या यों भी कह सकते हैं कि मन की अपनी बनावट उन्हीं से हुई है। इसीलिए चाहे शारीरिक बीमारियां हों या मानसिक, उन सब की जड़ मन से ही होती है। जय सतगुरुदेव, जय पत्सर। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर राम प्रताप परबल कपि जूथा मरदहिनी सचर सुभट बरूथा चढ़े दुर्ग पुनी जहाँ तहाँ बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निसाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमी घन समुदाई हाहाकार भयो पूर भारी रोबहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे।
सब मिल देही रावण ही गारी, राज करत यही मिर तुहकारी। निज दल बिचल सुनिते ही काना, फेरी सुभट लंकेशरिसाना। सब मिलकर रावण की को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग कर नाना, समर भूमि भये पल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करे सुभट लजाने, सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब भीरही पचार पचार, व्याकुल किए भालू कपि परध त्रिशूलन ही मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिरने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रिक्ष बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमज तहीं आगे, कौ कह कह अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुबित बलवंता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ तह करई लराई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजउ परवल काल समझोधा, कुंदी लंका गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघ नाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथि निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता,
दूसर सुत बिकलत ही जाना सेंदन घ्याले तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़गबर गयो अकेल, रन बांकुरा बाल सुत तर्क चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। जोध विरोध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमरि उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई करही कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन उठावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ कर ढहा दिया। यह देखकर यक्षस राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिनहिं डेरावहीं, राम ये चंद्र कर सुजस सुनावहीं, पुनि कर गही कंचन के खंभा कहन कर उत्पात यरंभा। बानर लीला करके घुरकी देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का युश सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजई पर रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी, काहुई लात चपेट ही केहू, भजहुन राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, इसका यह फल लो। एक एक सो मर्दही तोर चला वही मुंड, रावण आगे पर ही तय जनु फूट ही दधि कुंड। बोलो सत्य प्रेम की जय, जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।